अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने घर की बिजली और इसके साथ साथ पानी जैसी अजीम नेमत को ज़ाया होने से बचाएं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और अगर आपको कोई मसला है मुझसे रब्ता कर लें। इस वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर मेरा नंबर आएगा तो आप बिला झिझक मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या चीज़ है जो पानी और बिजली को बचाएगी। ये टाइमर आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस टाइमर के ज़रिए अपनी मोटर, अपनी बिजली, अपने बिल को कम से कम कर सकते हैं। एक इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पानी जो है वो ज़ाया नहीं होगा, दूसरा आपकी बिजली बचेगी, तीसरा एक टाइम के लिए चलेगी, मतलब 15 मिनट के लिए मोटर चलेगी और फिर 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। या आप इसको देख लें, आप किसी भी शॉप से इसको ले सकते हैं। जहाँ से मैंने लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि मैंने कहाँ से लिया। इसकी 6 तारें होती हैं, 3 इस साइड होती हैं, 3 इस साइड पर होती हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सी तार करामद होती है। इसमें सारी तार करामद होती हैं, लेकिन जहाँ पे इसकी जगह है वहाँ पर, जहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर इसकी जो तारें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताऊँगा, और जिस तरह इस्तेमाल होंगी वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मेल फीमेल एक स्विच का सेट चाहिए। ये 40-76 तार है। टेप आपके पास नॉर्मली घर में इस्तेमाल होती रहती है तो कहीं से भी मिल जाएगी। प्लास कटर और ये टेस्टर, तो ये आम चीज़ें हैं, उम्मीद है हर घर में होती है। तो अब हम चलते हैं कि ये किस तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले इसके दोनों कोने छील लेंगे हम। अब इस तार के दोनों मुंह एक तरफ से मेल स्विच में डाल देने, एक तरफ से फीमेल स्विच में डाल देने। अब हमने इसमें क्या करना है कि इसकी ये जो 4 तारे हैं इनको अलग कर देना है, क्योंकि ये 4 तारे हमारे किसी काम की नहीं है फिलहाल। थोड़ी सी टेप ले लेते हैं हम। ठीक है, ये 2 तारे मेन है, इन 2 तारों के साथ हमने जो करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब हम इस तार को बीच में से, तो इस पूरी तार के बीच में से इसको अंदाजन छील लेते हैं। इसमें जो स्विच वाली साइड से तार आ रही है ना, उस तार की तरफ हमने इसकी ब्लैक तार, ब्लैक वायर जो है उस साइड पे जोड़ देनी है। इस जोड़ पे टेप लग गई। अब हम
दूसरी तरफ से वाइट वाली लगा देंगे, वाइट वाली हम इसके साथ जोड़ देंगे जो साकट की तरफ से आ रही है। टेप को सही तरीके से लगा लेंगे ताकि किसी किस्म का कोई शक ना रहे। ये जितनी तार हमने छीली थी अब इसके ऊपर हम टेप कर देंगे। मैं जल्दी से टेप कर लेता हूँ। हमने इसको अच्छी तरीके से टेप कर ली, ठीक है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि ये वाकई जो हमने बनाया है वो ठीक भी है या नहीं ठीक। हम टेस्ट करेंगे इसको कि क्या ये वाकई 15 मिनट काम भी करता है या नहीं। अब मैंने इसको ऑन कर दिया, इसकी आवाज़ भी आ रही है। ये मैंने इसको यहाँ लगा दिया, इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और इसको एक बार फिर ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ से इसका मैं करंट चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वाकई करंट भी पास हो रहा है या नहीं। ये रहे। अच्छा, अब मैंने इसमें एक चेंजिंग कर दी है और वो ये कि इस पे मैंने मोटर ख़त्म करके ये बल्ब लगा दिया ताकि सामने वाजिया नज़र आए कि बल्ब चल रहा है। ये देखें अभी ये बंद हो गया। अभी हम जाके टाइम देखते हैं कि क्या टाइम हो गया, कितने बजे बंद हुआ है। या अब हम टाइम की तरफ आए हैं तो ये देखिए इसने पूरे 15 मिनट चलाया।